हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका फेस ग्लो करे मेकअप करने के बाद पूरा दिन? सो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ये यूज़ करते हैं, उनका फेस ग्लो करते हैं, लेकिन अगर आप पूछने जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कौन सा प्रोडक्ट है वो। सो ये है स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन पर्ल इल्यूमिनेटेड लिक्विड हाइलाइटर। ये शेड नंबर 2 है, क्योंकि मेरी स्किन फेयर है इसलिए मैं शेड नंबर 2 यूज़ करती हूँ। अगर आपका गेहुआ रंग है थोड़ा सा, तो आप शेड नंबर 1 के साथ जा सकते हैं। सो ये है लिक्विड हाइलाइटर, ये आप फाउंडेशन के साथ भी लगा सकते हैं, फाउंडेशन के पहले भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइमर लगाने बाद आपको ये लिक्विड हाइलाइटर लगाना है अपने पूरे फेस के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस लुक देगा, एक शिमरी मतलब पूरा लुक देगा। और इसे मेकअप करने के बाद अगर आप लगाएंगे ना, आप देखेंगे आपका स्किन अंदर से लगेगा कि ग्लो कर रहा है। तो मैं हमेशा इसको प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करती हूँ मेकअप करने से पहले। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना पूरा जो भी मेरा प्रोसीजर होता है, मतलब मॉइस्चराइजर प्राइमर जो भी है आपको लगाना, लगा लीजिए। उसके बाद आपको ये प्रोडक्ट लगाना है, या तो आप फाउंडेशन के साथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन से पहले लगा लिया है, आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर पूरा कितने अच्छे से ग्लो करने लगा है। यहाँ पे मैं डैब डैब करके अपने हाथों से इसे लगा ले रही हूँ, आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी डैब डैब करके लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से बिफोर एंड आफ्टर का आप देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरा फेस ग्लो कर रहा है। उसके बाद आप चाहें तो कंसीलर लगा लीजिए, तो फाउंडेशन लगा लेंगे, देखेंगे आपका स्किन कितनी अच्छे से ग्लो कर रहा है। आप देख रहे हैं मेरी स्किन कितनी अच्छे से ग्लो कर रही है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि स्किन के ऊपर कुछ लगा हुआ है, एक अंदर से ग्लो लेके आता है। जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, आप चाहते इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।